नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम कक्षा अष्टमी के विषय हिंदी में आज पाठ संख्या 8, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता जो कि जया जादवानी जी के द्वारा लिखी गई है के द्वितीय पद्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने प्रथम पद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उस पद्यांश में भी आशावादी दृष्टिकोण लेखिका ने कवित्री ने प्रस्तुत किया था और द्वितीय पद्यांश में भी इसी प्रकार से ही हमें वक्तव्य सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पद्यांश। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है वक्त। वक्त का अर्थ होता है समय। वक्त का अर्थ होता है समय। दूसरा शब्दार्थ है आखिरी। इसका अर्थ होता है अंतिम। अगला शब्दार्थ है कथा, जिसका अर्थ होता है कहानी। अगला शब्दार्थ है हिस्सा, जिसका अर्थ होता है भाग। अगला शब्दार्थ है सदियों, जिसका अर्थ होता है पुराने समय से। पुराने समय से। फिर इसका अगला शब्दार्थ है तमाम, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे। बहुत सारे। उसके बाद में अगला शब्दार्थ है अंतरिक्ष, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड। अंतरिक्ष का अर्थ होता है ब्रह्मांड। उसके बाद में है खबर, जिसका अर्थ होता है समाचार। खबर का अर्थ होता है समाचार। और अगला है कठिन, इसका अर्थ होता है मुश्किल। इस प्रकार से शब्दार्थ है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अब देखते हैं इसकी सह प्रसंग व्याख्या। शब्दार्थ एक बार पुनः देखते हैं। वक्त, समय, कथा, कहानी, आखिरी, अंतिम, हिस्सा, भाग, सदियों, पुराने समय से, तमाम, बहुत सारे, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, खबर, समाचार, कठिन, मुश्किल। अब देखते हैं सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित जया जादवानी जी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता, तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। कहने का मतलब, व्यक्ति जब तक सहज होता है, तब
तब तक उसका कभी बुरा वक्त नहीं आता है। अब देखते हैं पद्यांश की व्याख्या। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कवित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया, जल्दी आ जाओ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानी सुनाई जाती रहेगी कि आसमान में भी तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है, अंतरिक्ष ब्रह्मांड में एक दुनिया बसती है, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। एक बस आएगी और बचे हुए लोगों की खबर लेकर के आएगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। कवित्री कहती है कि जब तक बूढ़ी नानी दादी की कहानियाँ सुनाई जाती रहेगी और उनकी कहानियों की सच्चाई को बताया जाता रहेगा, तब तक बुरा समय नहीं आ सकता। अभी भी कोई किसी का इंतजार करता है, उसे पुकारता है और कहता है सूरज डूबने का समय हो गया है कि तुम लौट आओ। अभी भी बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियाँ सुनाती है, उसकी अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाते हैं। दुनिया के बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अभी भी परियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी सुनाती है। यहाँ पर लेखिका एक अन्य उदाहरण देती है, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, कि दादी नानी बच्चों को अपने अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाती रहेगी, दूसरे ग्रहों की कहानी सुनाती रहेगी। तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि अब कठिन समय की शुरुआत हो गई है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि सभी क्रियाकलाप सहज और सरल तरीके से हो रहे हैं, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। द्वितीय पद्यांश के शब्दार्थ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न संख्या 2, द्वितीय पद्यांश का भावार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगले ऑनलाइन कक्षा में हम इस पाठ के अन्य प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।